नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित, फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज मोटिवेशन सीरीज में मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ। ये वीडियो है कि सुबह उठने की आदत कैसे डालें। दोस्तों, सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और ये आदत बहुत लोगों को नहीं होती है सुबह जल्दी उठने की। लेकिन किसी ने ये कहा है कि जितने भी सक्सेसफुल बंदे हुए हैं या सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हुई हैं, वो सुबह जल्दी उठती हैं और अपना काम शुरू जल्दी शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये है कि हमें अपना आदत में बदलना होगा, और सुबह उठने की आदत बहुत अच्छी आदत है। ये बेन फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप द मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइट। सो हमें अपने सुबह जल्दी की आदत में सुधार करना होगा, और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। आप उस पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आपको उसमें बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट, कोई भी बड़ा बदलाव ना करें। जब भी आप अपनी आदत चेंज करते हैं, तो किसी रिसर्चर ने बताया है कि इसके लिए कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। सो आपकी आदत एकदम बदलने वाली नहीं है। कभी भी अपने बॉडी और माइंड को ज़्यादा फोर्स ना करें किसी भी आदत बदलने के लिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आप 5 बजे उठने जाते हैं, तो मान लो आप 7 बजे उठते हो आप, तो आपको अपना अलार्म जो है आधे घंटे पहले का सेट कीजिए, यानी कि 6:30 बजे का सेट कीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको 15 दिन या 20 दिन के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका जो है बॉडी और माइंड 6:30 के लिए सेट हो जाएगा, या बॉडी क्लॉक जो आपकी आधे घंटे पहले के लिए सेट हो जाएगी, और उसके लिए आप उस टाइम पे उठना शुरू कर दोगे। जब आप इस टाइम पे उठ कर दो, तो इसको आधे घंटे फिर आगे और पहले कर दीजिए, तो आप फिर इसमें यानी कि अगर 7 बजे आप उठते तो 6 बजे का अलार्म आप लगाना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 इसको जो है टाइम को कम करते रहिए, और जिस टाइम पे आप उठना शुरू करना चाहते हैं, आप देखोगे कि जैसे 15 दिन के बाद, महीने के बाद, एंड 2 या 3 महीने के बाद आपकी ये पूरी बन जाएगी, और आप करेक्ट अपने टाइम पे उठेंगे, और आपको इसके लिए अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड, गहरी नींद लीजिए। जब भी आप सोएं, सोने से पहले गहरी नींद लीजिए। मीन्स गहरी नींद के लिए आप डीप मेडिटेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रीथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गहरी सांस लीजिए आप सोने से पहले। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड एंड बॉडी रिलैक्स हो जाता है, तो आपको गहरी नींद आती है। मान लो आप 8 घंटे सोते हो, तो अगर आप 6 घंटे गहरी नींद लेते हो, तो आपके 8 घंटे का काम पूरा हो जाता है। सो गहरी नींद लेना भी जरूरी है, और सोने से पहले कोई भी उत्तेजित पदार्थ जैसे कॉफी, चाय, या फिर लैपटॉप पे काम करना ज़्यादा देर तक नाइट में, या फिर आप फोन पे व्हाट्सएप वगैरह या कुछ भी यूज करते हैं, तो इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, इससे आपको गहरी नींद आएगी। थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपना अलार्म दूर रखिए। दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार टेक्निक है। आप अपना अलार्म दूर रखिए। जब आप अपना अलार्म दूर रखते हैं, तो जब आप सो रहे होते हो, अलार्म लगता है, तो आप क्या करते हो, अपना हाथ आगे बढ़ा के उसको अलार्म बंद कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अगर आप अपना अलार्म दूर रखेंगे, तो आपको उठना पड़ेगा बंद करने के लिए। जब आप उठोगे, तो उठने से आपकी नींद टूट जाएगी, तो इसे भी आपका जो है आदत में सुधार आएगा। फोर्थ, अपने आप को एक मोटिवेशन फैक्टर दीजिए। जब आप उठते हो, तो आपके पास कोई मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग कोई बुक्स पढ़ते हैं, या फिर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। तो आपके पास उठने का कारण होना चाहिए कि अगर मैं 5 बजे उठूंगा, तो मैं 5 बजे उठ के क्या करूंगा। जैसे स्टूडेंट हैं आप, तो 5 बजे उठ के पढ़ सकते हैं, या फिर आपका कोई भी ये मोटिवेशन फैक्टर ऐसा हो सकता है। लास्ट पॉइंट ये है, अपने दिमाग को अवार्ड दीजिए उठने के लिए, यानी कि हमारा जो बॉडी है, वो हमारे माइंड के हिसाब से चलता है। अगर सुबह हम लेट क्यों उठते हैं, क्योंकि हमारा मन या दिमाग उसके लिए परमिशन नहीं देता है। तो उसके लिए हम अपना माइंड सेट कर सकते हैं कि हम सुबह उठने के बाद कोई मजेदार काम करेंगे, जैसे कि कोई म्यूजिक, मनपसंद गाना सुनना, या कोई सेट कर सकते हैं कि हम सुबह उठने के बाद कोई मजेदार काम करेंगे, जैसे कि कोई म्यूजिक, मनपसंद गाना सुनना, या कोई मनपसंद वीडियो देखना, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं मजेदार जो आपको अच्छा लगता हो। तो ये टिप्स अपना के आप अपनी आदत में सुधार कर सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सलाम इंडिया।